बोरवेल मालिक साहब को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मण, मैं संजय राव टूल्स का नाम से सन 2000 से मध्य प्रदेश शहडोल में बोरिंग का काम करता हूँ। शुरू में मैंने शहडोल जाते समय डीजल का रेट बहुत कम था, उसी समय लेबर और स्पेयर्स का रेट भी बहुत कम में मिला था, अच्छा ड्रिलिंग रेट मिला, उसी समय अपन 2 रुपया पैसा कमाने का मौका मिला। लेकिन अभी वर्तमान में डीजल रेट इतना बढ़ गया, स्पेयर्स का रेट भी बढ़ गया, लेबर का सैलरी भी बहुत हो गया, लेकिन अपना ड्रिलिंग रेट बिल्कुल अभी मिलता नहीं है। कारण क्या है? ये मेरा ख्याल से गाड़ियां बहुत बढ़ गया है, गाड़ी का कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, अपना मालिक लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग मतलब यूनिटी नहीं है, इसलिए अपना एजेंट लोग जो रेट बोलते हैं वही रेट में अपन काम करने का आवश्यकता पड़ रहा है। हम लोग जो एरिया में काम करने जाते हैं ऑलरेडी किसी के गाड़ी उसी एरिया में चल रहा, सीधे जाके उसी मालिक से बात करना था कौन सा रेट में चल रहा है, पाइप का रेट क्या है, लेकिन अपन कोई नहीं ऐसे काम कोई नहीं करते हैं, सीधे जाके एजेंट से बात करते हैं। एजेंट जो रेट बोलते हैं ऑलरेडी काम चल रहा उन्हीं के रेट से 5 रुपया कम भी बोलते हैं, उसी रेट में अपन काम करना चालू कर देते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं अपना मालिक लोग के बीच में यूनिटी होना बहुत जरूरी है, तब अपन 2 रुपया कमाने का अपना मौका मिलेगा। गाड़ी इतना रेट दे के गाड़ी करोड़ का गाड़ी रखे हैं, पाइप का रेट मालिक लोग अपन लोग फिक्स करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। अपना रेट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑल इंडिया रिग ओनर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट सोनी मसेर मामा जी ने बहुत प्राइस कर रहे हैं, उनके साथ अपन मालिक लोग सब मिलके उनको साथ देंगे, सभी एरिया में अपन अपना रेट बढ़ाने के लिए मौका मिल जाएगा, रेट जरूर रेट बन जाएगा, इसलिए अपन सब लोग मिलके उनको साथ देंगे। दूसरी बात, रिक्स इंडिया 24/7 वाले ने एक रेट चर्च के लिए एक एप्लीकेशन बनाया, जो रेट अपन सभी एरिया में फिक्स किया वही रेट का वो रिक्स इंडिया वाला ने अपना एप्लीकेशन में एंट्री करके रखेंगे, अपन सीधे जाके रेट चर्च में चेक करेंगे, मालूम पड़ जाएगा कौन सा एरिया का क्या रेट है, सब चेक करके अपना उसी एरिया में काम करने के लिए अपना दूसरा एजेंट से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे अपन जाके अपना रिक्स इंडिया 24/7 वाला में चर्च करके काम करने का अपन को मौका मिल जाएगा। मालिक एजेंट और प्रेसिडेंट सब मिलके जो रेट कोई भी एरिया में अपन फिक्स किया ये रेट वगैरह इनका रिक्स इंडिया 24/7 वाला ने अपना चर्च में एंट्री करके रखेंगे, कोई भी एरिया में अपन गाड़ी लेके जाएंगे उसी एरिया का रेट क्या है, पाइप का रेट क्या है, ड्रिलिंग रेट क्या है, सब कुछ मालूम हो जाएगा, उसी को उनका चर्च में जाके चेक करके अपन काम करेंगे, अपना लिए बढ़िया बेनिफिट रहेगा। मालिक लोग के बीच में दूसरा मेन प्रॉब्लम लेबर, एक्चुअली लेबर हेल्पर लोग अपन नॉर्थ इंडिया से बुला लेते हैं, लेकिन ड्राइवर ड्रिलर मैनेजर वगैरह अपन लोकल से बुलाना पड़ता, लोकल वाले मिनिमम 2 लाख 3 लाख के कम कोई मांगते नहीं है एडवांस के रूप में, किसी हिसाब से अपन एडवांस 3 लाख रुपया उनको देते हैं, एक 50 रुपया के स्टैम्प पेपर में उनका एड्रेस वगैरह सब लिखवा के 3 लाख रुपया उठा के उनको दे देते हैं, वो अपना गाड़ी में आके 10 दिन काम करता, कभी कभार कोई एडवांस लेने के बाद आते नहीं है, ये सब प्रॉब्लम हो जाता। जो आदमी नहीं आते हैं उनको घर में जाके अपन पैसा मांगने पे वो सीधे जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देता, मेरा घर में आके ये उपटांग बात किया, ये आजकल PCR केस बन जाता, क्या होता उल्टा उनको अपन पैसा देना पड़ता, इसलिए ये रिक्स इंडिया 24/7 वाला ने एक एम्प्लॉय चर्च के लिए एक एप्लीकेशन बनाया, उसी में क्या है जो लेबर अपने पास आते हैं उनका आधार कार्ड लेके उसी में ऑप्शन रहता, आधार कार्ड उनका फोन नंबर उनको फोटो वगैरह लेके उनको
एप्लीकेशन में एंट्री कर लेते हैं, कितना भी अपन पैसा देते हैं वो पैसा उसी में कॉलम रहता है, उसी में लिख देते हैं, उसके बाद अपना पास आके काम करता। सपोज वो काम नहीं किया, बीच में छोड़ के भग जाता, वो उनका अपन चार्ज करके पकड़ सकता। सभी मालिक लोग अपना अपना लेबर को रिक्स इंडिया 24/7 वाला एप्लीकेशन में एम्प्लॉय चर्च में एंट्री करके रखना चाहिए, तब बेनिफिट रहेगा। एक आदमी दो आदमी पर करने में वो दूसरा के पास चला जाएगा तो कहां गया क्या पता नहीं है। इसलिए सभी मालिक लोग अपना चर्च में एंट्री करके रखेंगे, ये गाड़ी छोड़ के दूसरा गाड़ी में जाने के बाद जाने के समय उनको इजीली पकड़ सकता है। इसीलिए मेरा निवेदन है एम्प्लॉय चर्च में जरूर सब लोग रिक्स इंडिया 24/7 में एंट्री करके एम्प्लॉय चर्च में सभी अपना लेबर को एंट्री करके रखिए, सबके लिए ये बेनिफिट रहेगा। अपना गाड़ी वाला के बीच में और एक प्रॉब्लम है, साइट सर्विस है। सपोज अपना गाड़ी मान लो राजस्थान में चल रहा है, गाड़ी साइट में खराब हो गया, मद्रास से तिरुचेंगोड़ से आदमी आके क्या प्रॉब्लम है चेक करके उसको बना के देने में कम से कम 15-20 दिन लग जाता। ये लोकल में सर्विस इंजीनियर वगैरह लोकल एरिया में राजस्थान में जो ये सर्विस इंजीनियर काम करते हैं अपना बीच में मालूम नहीं है। उसके लिए एक रिक्स इंडिया वाला 24/7 वाला ने एक ऐप बनाया, साइट सर्विस इंजीनियर एंड स्पेयर्स। उसमें जाके अपन चेक करेंगे, अपन जो भी एरिया में काम करते हैं उसी एरिया का अगल बगल जो इंजीनियर रहते हैं उनके पास अपना स्पेयर्स अवेलेबल है या नहीं है, तुरंत उनको बुला के अपन बात कर सकता। मद्रास से इतना दूर आके काम करने से पगल में कौन रहते हैं क्या है सब कुछ चेक करके, इसीलिए अपन उनको बुला के काम करके काम गाड़ी चालू करने का बढ़िया मौका मिलेगा। इसलिए रिक्स इंडिया 24/7 में अपन अंदर जाके चेक करने में अपना लिए बढ़िया बेनिफिट रहेगा। अपना बिजनेस में जीतने के लिए अपन सब एक होके यूनिटी होके काम करना बहुत जरूरी है। सब लोग मिलके काम करेंगे तब अपना बिजनेस में अपन जीत पाएंगे। जय हिंद, नमस्ते।